जगनेश जगनेश देवा माता जाकी पार्वती पिते महादेवा। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। और इस बार का गणपति फेस्टिवल जो है वो हर साल से बहुत अलग है, बट स्टिल बहुत अच्छा है। इस बार एक नया तरीका ढूंढा है लोगों ने करने का, सो आई थिंक उसमें भी सब कुछ बढ़िया से आराम से हो जाएगा। आप लोगों का कैसा गया पहला दिन जरूर बताइएगा। हमारा सारा काम हो गया है, 2 घंटे लगे, जितना भी पापा का भोग था वो सब कुछ बना लिया है। हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है, लाइक गणपति को लेकर नहीं आते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी होती है उनके लिए खाना बनता है, पूजा हम करते हैं, लेकिन जैसे लोग बप्पा को लेकर आते हैं फिर विसर्जन होता है, वो ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। अपना घर हुआ कभी तो जरूर बप्पा ने चाहा तो लेकर आएंगे, अपने घर लेकर आएंगे, करेंगे शुरू, बहुत सारी चीजें हैं तो विल डू दैट। तो अभी क्या है, हम लोग बस भोग की थाली तैयार करते हैं और फिर भोग लगा के आरती करके और बस उसके बाद ऐसे ही हो जाएगा। पूरा दिन तो तैयारियों तैयारियों में ही निकल गया आज। उसके बाद खा लेंगे। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली खाना तो है ही। चलिए, और मैंने क्या क्या बनाया है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ पूरी रेसिपीज के साथ। तब तक मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, और बहुत कुछ है ना, कोशिश की अपनी तरफ से। Today is gonna be a long, long day. Is it? Getting ready, doing puja, eating. Oh yeah, that's the tough task. No, you know, eating a lot. No. No. Why? Lots of pakoris. Yes. लो एक चीज तो पहले ही बता लगी, पकौड़ी। चलिए मैं बस भोग की थाली तैयार करती हूँ और पूजा करके फिर मिलते हैं आपसे। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं कैबेज फ्राई, जो बहुत अच्छी बनती है और आप इसको बना के काफी दिन तक सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉक में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल और उसमें डाल दिया है पिंच ऑफ हींग, साथ ही मैंने एक हरी मिर्ची ली है और उसको मोटा मोटा कट करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप प्याज के साथ बना रहे हैं तो इसी पॉइंट पर प्याज और लहसुन भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं भोग के लिए बना रही हूँ तो प्याज लहसुन यूज नहीं कर रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। हल्का सा ही फ्राई करेंगे और इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कैबेज ली है, 2 कैरेट ली है और 1 शिमला मिर्च ली है, जिनको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया था ग्रेटर में। तो सारी चीजें जो है वो एक ही लेंथ की है और एक ही विड्थ की है, इससे सारी चीजें जो है वो एक साथ इक्वली कुक हो जाएंगी। इसके बाद मैं इसको 2-3 मिनट के लिए इसी तरह कवर करके छोड़ दूंगी और 2-3 मिनट के बाद ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाएंगे। फिर हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से, साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें अमचूर ऐड किया है, मैंगो पाउडर, इससे इसके अंदर बहुत अच्छा खट्टापन आता है। और बस इसके बाद आपको इसको लगातार चला देना है, कवर कर दें फिर चला दें, और 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको मीडियम हीट पर पकने में, और क्योंकि बहुत बारीक होती है तो बहुत जल्दी हो जाती है और इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, इसके अंदर हल्का सा क्रंच होना चाहिए। तो कैबेज फ्राई हमारी डन हो रही है, इधर मैं अचारी आलू बना रही हूँ। तो छोटा प्रेशर कुकर लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, हींग डाला है और 1.5 चम्मच मैंने इसमें पंचफोरन मसाला ऐड कर दिया है, रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। इसके बाद 2 टमाटर हैं जो मैंने मैनुअल चॉपर में चॉप करके रख लिए थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं, आप है तो प्योरे भी डाल सकते हैं यहाँ पर। फिर मैंने सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, साथ ही 1 हरी मिर्ची जो है वो मैंने मोटी मोटी काट दी है। इसके बाद इस मसाले को हमें पका लेना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, आप चाहें तो सारे डिशेस घी में भी बना सकते हैं। इसके बाद आलू हैं यहाँ पर 3 मीडियम साइज के, जिनको मैंने मोटा मोटा ही काट लिया है, और ये पहाड़ी आलू है, देसी आलू जिनको बोला जाता है, तो ये स्किन के साथ ही डाले जाते हैं। पानी डाल दिया है हिसाब से मैंने थोड़ा सा, और उसके बाद
प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे, दो सीटियों में ये डन हो जाता है। यहाँ पर हम अपनी कैबेज फ्राई जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने उसको हल्का सा चला दिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, जितनी क्रंची हमें चाहिए और जितनी हमें पकी हुई चाहिए। आप चाहें तो बाद में इसमें धनिया डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह ही ये बहुत टेस्टी लगती है। तो अब मूव करते हैं हम तीसरी डिश की तरफ और वो बनाएंगे हम वाइट ग्रेवी वाला पनीर। तो इसके लिए मैंने ऑयल डाला है, वैसे बटर में बनता तो ज़्यादा बेटर होता बट मेरे पास था नहीं। थोड़ा सा मैंने हींग डाला है और एक चम्मच सौंफ पाउडर डाल दिया है, फिर थोड़ा सा धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है और इसके बाद मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया है। इसके बाद यहाँ पर ये है होगा हैंडफुल के करीब मैंने कैश्यू लिए थे, या फिर बोल दूँ 1/4 कप, उनको मैंने भिगो कर रख दिया था और उसके बाद दूध के साथ मैंने उसको पीस लिया है। तो ये काजू और मिल्क का पेस्ट है जो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। मीडियम हीट पर आपको इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि आपका मसाला अच्छे से पक ना जाए। इसके बाद थोड़े तीखेपन के लिए मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है और साथ ही जो ब्लेंडर था जिसमें मैंने काजू पीसे थे उसमें थोड़ा सा दूध डाल के मैंने उसको रिंस कर लिया है और अब वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब आपको इसको पका लेना है जब तक कि अच्छे से बॉईल ना आए। इसमें कोई भी हम ग्रीन चिली या फिर रेड चिली यूज़ नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। फिर पनीर था ये घर का बना हुआ जो मैंने थोड़े से गर्म पानी में डाल के रख दिया था, तो वो मैंने पानी समेत थी इसके अंदर डाल दिया क्योंकि गर्म पानी में फ्लेवर निकल आता है पनीर का। और बस सॉल्ट डाल के इसको कवर करके रख छोड़ें और वो पकता रहेगा। तो उधर हमारा पनीर पक रहा है, सब्जी तैयार हो रही है, हम यहाँ पर पुलाव बना लेते हैं। तो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, ऑयल डाला है उसमें, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, दो लौंग डाली हैं, एक तेज पत्ता मैंने डाला है और इधर कुकर में सीटी आ गई थी तो उसी की स्टीम आपको दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर जो है फ्रोजन मटर और फ्रोजन कॉर्न मैंने लिए हैं, दोनों जो है मिलाकर 1 कप के करीब होंगे। और यहाँ पर है 1.5 कप बासमती राइस जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इसके बाद जितने चावल हैं उतना ही हमें पानी डालना है अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो 1.5 कप यहाँ पे चावल थे, 1.5 कप ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और मैंने इसमें सॉल्ट भी डाला है, बट एनी हाउ वो क्लिप कहीं मिस हुई है तो मैंने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और बस हमारा पुलाव जो है वो एक सीटी में डन हो जाएगा, सिर्फ एक विसल आपको लगवानी है। इधर पनीर हमारा अच्छे से पक गया है, बिल्कुल लास्ट में हम थोड़ी सी कसूरी मेथी इसके अंदर डाल देंगे। सौंफ और कसूरी मेथी का इस वाइट ग्रेवी वाले पनीर में इतना अच्छा जायका आता है, आई इवन कांट टेल यू। तो पनीर भी हमारा यहाँ पर डन हो गया है। अब मूव करते हैं स्वीट डिश की तरफ। तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं बेसन का मिल्क केक, जिसके लिए मैंने 1/2 कप घी लिया है और उसके अंदर मैंने 1/2 कप ही बेसन ऐड कर दिया है। बेसन जो है वो एक साथ ही आप 1/2 कप ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाला और फिर बाद में डाला। इसके बाद मीडियम हीट पर आपको इस बेसन को अच्छे से भून लेना है। मेक श्योर आपकी जो हीट है वो मीडियम ही रहे, नहीं तो बेसन एकदम से ब्राउन होने लगेगा और वो पूरा पक नहीं पाएगा, कच्चा टेस्ट आएगा उसमें। तो बिल्कुल मीडियम हीट पर लगातार चलाते हुए आपको इसको सुनहरा कर लेना है और जब ये अच्छे से भुन जाए तब इसमें हमें डाल देनी है थोड़ी सी इलायची। इलायची बस ऐसे डालें कि उसका फ्लेवर आए लेकिन वो बेसन के टेस्ट को ओवरलैप ना करें। गैस मैंने बंद कर दी है और अब इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा होने दिया है, चलाती रही हूँ मैं। और इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर और इसको अच्छे से हम चलाएंगे। तो जो मिल्क पाउडर है ना ये खोया का काम करता है। और मेक श्योर कि गैस इस टाइम पर बंद है लेकिन कढ़ाई हमारी गर्म है और बेसन भी हमारा जो है वो गर्म है, मैंने थोड़ी सी देर ही रखा है। इसके बाद हमें इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है। तो शुगर का अपने ऊपर है, मैंने यहाँ पर 1/2 कप बेसन लिया था, मैंने 1/2 कप ही यहाँ पर शुगर ऐड की है, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बेसन की हीट से, कढ़ाई की हीट से जो शुगर है वो थोड़ी सी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, बट अगर आपको लगे कि शुगर बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही है तो बिल्कुल सिम पे आप 1 मिनट के लिए गैस यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, बट देख ले कहीं ऐसा ना हो कि वो लिक्विड ही हो जाए। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से जमने से लगा है। फिर आप इसको किसी भी डिश में इस तरह से निकाल दें जिसमें आपने घी जो है वो लगाया हुआ हो ताकि वो निकलने में आसानी हो। और बस इसको आपको पैट कर देना है, अच्छे से लेवल कर लें। और गार्निशिंग के लिए आप चाहे तो इसके ऊपर काजू डाल लें, पिस्ता डाल लें, या चांदी का वर्क लगा लें, या फिर जो नारियल का बुरादा होता है आप वो लगा लें,
तो जिस तरह से चाहें उस तरह से आप डेकोरेट करें, बट ये इतनी मॉइस्ट और इतनी टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से कटे हुए जो बादाम हैं वो डाल दिए हैं और उनको हाथों से ही मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी अंदर तक, ताकि ये एकदम से बाहर ना निकले। इसके बाद इसको आप काउंटर टॉप पर आधे घंटे के लिए रख छोड़ें, या फिर आप फ्रिज में इसको रख दे 15 मिनट के लिए, फिर हम इसके पीसेस काटेंगे। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही पकौड़ी के लिए पकौड़ियाँ। तो मैंने लगभग हाफ कप के करीब बेसन लिया था और उसमें थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला डाल के नॉर्मल जैसे पकौड़ी जो हम कढ़ी पकौड़े के लिए बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का हमको पेस्ट बना लेना है। और छोटी छोटी पकौड़ी इसकी तोड़ लेनी है। मैं तो फिर भी काफ़ी बड़ी बनाई है, मम्मी तो बिल्कुल नफासत से इतनी छोटी छोटी सी बनाती, बड़ी अच्छी लगती हैं। और बस इनको आपको अच्छे से तल लेना है और जब ये ठंडी हो जाएंगी उसके बाद फिर हम इनको दही के अंदर ऐड कर देंगे और हमारी टेस्टी दही पकौड़ी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर है दही जिसमें थोड़ा सा नमक, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा पुदीना पाउडर डाल के मैंने रख लिया था, और जो पकौड़ी है वो मैंने इसमें डाल दी है। तो हमारी दही पकौड़ी भी डन हो जाएगी। जिस बीच सारी सब्जियाँ तैयार हो रही थी, आटा बना के तैयार कर लिया था, और बस हम यहाँ पर फटाफट पूरियां उतार रहे हैं। और यहाँ पर टीम वर्क चल रहा है, हस्बैंड जो है वो बेल रहे हैं और मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। तो टोटल मुझे भगवान जी का भोग बनाने में लग गए थे 2 घंटे मुझे लग गए थे सब कुछ डन करने में। उन 2 घंटे में प्री प्रेप भी है, चॉपिंग भी है और सब कुछ बनाना भी है। बट जो एंड रिजल्ट आया सब कुछ बहुत अच्छा बना, बहुत स्वादिष्ट बना, एंड आई एम श्योर कि पापा को बहुत पसंद आया होगा। और पूरियों को आटा कैसे लगता है वो मैंने कई बार शो किया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो पूरियाँ उतर गई हैं, यहाँ पर मैं आपको आलू दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह के हुए हैं और बस लास्ट में क्या है, आपको पोटैटो मैशर लेना है और इसको मैश कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा मोटे चंक भी ना हो और बिल्कुल हलवा भी ना हो जाए इसका, बस बीच में ग्रेन सा हो और ये बिल्कुल थिक सी ग्रेवी इसकी तैयार होगी। और ये इतने टेस्टी होते हैं ना अचारी आलू, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्किन के साथ ट्राई कीजिएगा। जो पोटैटो की स्किन होती है ना वो होनी चाहिए। इसके बाद इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला और बाद में हरे धनिया की पत्ती भी डाली थी, लेकिन वो क्लिप जो है फिर से मिस हो गई क्योंकि बिजी इतने ज़्यादा थे। यहाँ पर मैं आपको पुलाव भी दिखा देती हूँ कि देखिए बिल्कुल खिला खिला कितना अच्छा पुलाव बना है, कोई कह नहीं सकता कि ये प्रेशर कुकर में बना होगा। तो सारी चीज़ें हो गई हैं डन और यहाँ पर जो हमारी मिठाई है वो भी सेट हो गई है। और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मैंने ये लास्ट में ही बनाई थी, तो मुझसे ये कट नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने साहब से कहा कि आप इसको कट कर दो, तो यहाँ पर वो कट कर रहे हैं। तो फ्रिज में मैंने इसको 15 मिनट रखा और 15 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो गई थी। लेकिन अगर आपको पास टाइम हो तो बेशक आप इसको काउंटर टॉप पे आधा पौना घंटा के लिए छोड़ दें, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पर जिस तरह के आपको पीसेस चाहिए उस तरह के आप काट लें। तो हमने थोड़े से चौकोर इसमें से काटे हैं और देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना ये, और ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो पप्पा को बेसन की चीज़ें जो है ना वो बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी डिशेस हो गई हैं तैयार और ये है आज की भोग की थाली, जिसमें सबसे पहले मैंने बनाया है कैबेज फ्राई, इसके बाद है अचारी आलू, सैलड के साथ मैंने सर्व किया है, पुलाव है, पूरी है और हमारा बेसन वाला मिल्क केक है, वाइट ग्रेवी वाला पनीर है, दही पकौड़ी है जिसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी है जो कुछ कुछ दही बड़े का टेस्ट देती है, पापड़ तल दिए हैं, सो इट इज़ सो हेवनली डिलीशियस। और बस सभी अपने घरों में इसी तरह से भोग बना और भगवान सबसे खुश हो जाए। तो थाली यहाँ पे पूरी सज गई है, साहब ने सैलेड काट दिया है और मेरी रसोई की हालत देखो, यहां से शुरू होके वहां तक बनाने बनाने में लाइक बर्तन वगैरह सब कुछ साफ कर दिए जो भी हुए हैं, बट स्टिल मेरा काउंटर टॉप देखो क्या हालत हुई है। पर चलो कोई नहीं, हाँ गार्बेज अपना काम कर रहा हूँ ठीक है। इन्होंने सैलेड काटी तो पील्स डाल देंगे। अच्छा लग रहा है ये वाला कुर्ता बहुत,
सीरियसली पहना किसने है? हाँ भाई वो भी बात है, वो भी बात है, सही है सही है। गणपति बप्पा मोरिया इसलिए अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कैसे सुना? Must eat chocolate. Really? Yes. Must eat chocolate. Exact. बिल्कुल नपा चला मीठा है। चेक करते हैं। I put some in my plate. सब टेस्ट कर लिया। सब टेस्ट। बढ़िया। I pop it in my plate for dessert. Okay. Cabbage fry, mast, आलू, बटाटा, बटाटा सब्जी। बटाटा। You have to try everything first. पनीर। ठंडा। Brilliant. लाऊं क्या? गरम और करूं? So good. सब बढ़िया। Everything is the most excellent thing I've ever tasted in my life. पहले खा ले। आओ भाई लोग टेस्ट करो। क्या हुआ? कुछ सब बढ़िया। सब बनाओ और खाओ और थाली की फोटो लेके मुझे भेजो। अदरी के मजे आ गया पूरे। आलू भी मिलेगा, पनीर भी मिलेगा। आलू पनीर, क्योंकि पनीर में अदरी, अदरी में पनीर। ये हालत है। Now I'm just yodu. Hello. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. खाना खा के किचन मैंने सारी समेट दी है और बर्तन अभी स्टैंड में है कुछ, तो वो बर्तन लगा के फिर बर्तन मांजूंगी। सोचूं पहले चेंज कर लूं मैं, उसके बाद आज आधे दिन तक तो वही मंदिर की क्लीनिंग लीनिंग अपना काम यही सब कुछ। फिर थोड़ी बहुत देर अद्वी के साथ बैठ गए, तो मैं 4 बजे के करीब आई थी किचन में, 4 बजे से लगी थी और फिर लगे। बारिश आ तो रही थी आज शाम से, पर गर्मी से भी हो रही थी आज एक्चुअली, पता नहीं। आज हमारे पड़ोसियों ने इतना शोर मचा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि दीपिका नए पड़ोसियों के बारे में बताया नहीं उसको, बर्थडे था उसको। तो मैं एक ही बार मिली हूँ अभी उनसे, इतना ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, तो ठीक ही लग रहा है। फैमिली है, वो भी बड़े हैं उनके बच्चे, जो ये पहले थे इनके तो छोटे थे, इनके तो बड़े हैं, शायद एक ही बेटी है इनकी,
या तो एक बेटी है? नहीं सर, उसने घर लिया है, छोटे बच्चे हैं, बड़ा नहीं है कोई यहाँ पे। अच्छा, तो उस दिन मैंने बड़ी लड़की वो यंग कपल जो है वो इसने लिया था। और तो फिर पेरेंट्स आ रहे होंगे? हाँ, पेरेंट्स आ रहे होंगे तो जैसे घर शिफ्ट करा ना, पेरेंट्स आ रहे होंगे। तो मैं एक ही बार मिली, तो मैं तो बड़ी वो जो ओल्ड लेडी है मैं तो उसी से। नहीं नहीं वो नहीं, यंग कपल। ओके, तो कुछ दिन में पता लग ही जाएगा। हाँ जी, हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सब, और हिंदी में गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा तो खाना हो गया, आप लोगों ने क्या क्या बनाया? भाई वर्ग खाया, और भाई हमने कल जो है मैंने कमेंट भी गिने, जो लास्ट टास्क दिया था उसमें। हाँ, फिर मैं ऑफिस में बिजी हो गया। हाँ, दो तीन दिन चले गए, लेकिन कल तक सब कमेंट आ गए थे और मैंने सारे काउंटिंग कर ली। स्टिल कमिंग, कोई बात नहीं। कि कुछ लोग वीडियो अपलोड होते हैं, कुछ लोग उसी दिन नहीं देखते, कुछ एक दिन बाद, कुछ दो दिन बाद। मैं तो काउंटिंग कल कर ली थी, कल कर ली। तो टोटल कमेंट जो थे कल जो 1500 कुछ थे, मतलब 1500 ऊपर थे, और 1500 कुछ में से 1200 प्लस और 300 प्लस। लेकिन फिर मैंने क्या करा, थोड़ा सा वो करने के लिए बैलेंस कर दूं, मैंने 500 कमेंट इधर दे दिए। तो फिर क्या है, उसका डिनर का जुगाड़ हो गया। अच्छा अच्छा, तो मैं खाना ना देती दोस्त, क्या पता लगे भाई 1200 लगे हुए थे। तो भाई रिजल्ट ये है, चौधरी विकास कुमार जावला भारी मतों के साथ विजय हो गए अपने लाइव टास्क में, थम्स अप टास्क में। अपने प्रतिद्वंदी को बहुत सारे अंक से हरा दिया है, पूरे क्या इससे पछाड़ा है क्या, बहुत बुरे। ओहो, मैं तो धरती में गिर गई बिल्कुल। हद है भाई, मेरे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी क्यों करी आप लोगों ने है? मैं 2 साल से ये चैनल जो है चला रही, इसमें मैंने क्या क्या नहीं दिखाया यार, क्लीनिंग, कुकिंग, मोटिवेशनल। ये बंदा 2-3 वीडियो में आके 2-4 मिनट के लिए, मतलब बंदे होशियार ना, पता है बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा है बैकग्राउंड में। शुरू के 6 महीने अगले को पता भी नहीं था कि कोई चैनल भी चल रहा घर में, उठन में बिजी था। अब तो लॉकडाउन चल रहा है ना, तो मेरे पास टाइम है। पर आप लोगों ने, कोई बात नहीं भाई, अगली बार जो है थम्स अप इनके लिए। नहीं, वैसे मुझे पता है इनके आने से क्या, इतने कमेंट है भैया के आने से 4 चांद लग जाते हैं। आपकी वीडियो अच्छी है पर भैया के आने से और मजा आ जाता है। मैं ये बढ़िया, आगे करना ना धरना कोई दो बात कर रही और भैया के आने से 4 चांद। हम बिना बात ही मेहनत कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो बताओ आप लोगों को, अगर कुकिंग में इंटरेस्ट ना हो, क्लीनिंग में इंटरेस्ट ना हो, तो मैं तो बैठ के डेली 5-10 मिनट इन्हीं के साथ बात करके ब्लॉग बना लिया करूंगी। अरे मेरे तो बहुत से वीडियो जो आती है, मैं थोड़ा भाई मेरा ऐसा है, मैं कुछ भी बोल दूं, कुछ भी कर दूं, टाइम पे आके तो ये कट कर देगा मुझे, कहता ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल ही देसी, कई बार ऐसे आके बोलते फिर यार घर में कौन सा, फिर यहाँ आके हम इंग्लिश या वो चला तो बाहर इंग्लिश इंग्लिश तो नहीं ना। तो भाई यहाँ पे दो ही है, तो इंग्लिश है बिल्कुल, अपनी बीच खानी है कुछ भी। या तो बाहर वाले जो हम बाहर करते हैं वो कर लेंगे, या फिर अपना पूरा देसी है। मेरी बीच में कोई वो फिजिक्स में एक लैंग्वेज है ना कि मेटा स्टेबल स्टेट, बीच में नहीं है, या तो बॉटम या आप। नहीं, मेरी वीडियो एक्चुअली लंबी हो जाती है ना, मुझे मिलते नहीं कमेंट ऐसे कि वीडियो छोटी रखा करो, छोटी रखा करो, इतनी बड़ी वीडियो कौन देखे, 12-15 मिनट भी बहुत होते हैं, बहुत सारे कमेंट मिलते हैं। पर जब बैठती हूँ बात करने, तो वो एक बात में से दूसरी बात, दूसरी में से तीसरी बात। चलो तब 4 मिनट हो गए, सारी बात बंद और बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है? हाँ जी, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो, आज की वीडियो तो अच्छी है यार, इतना सारा खाना बना दिया और क्या, इससे अच्छा क्या होगा। हाँ, पैर भी दर्द करने लगे थे खड़े खड़े, और मोस्टली ये चॉपिंग वॉपिंग में आके हेल्प करा देते हैं। अच्छी लगी बहुत वो कैबेज फ्राई, कैबेज फ्राई बहुत मस्त बनती थी। आज तो अनियन वगैरह कुछ डलना नहीं था, लेकिन अगर उसमें अनियन भी बारीक कटी हुई डली हो ना, तो वो और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। ये भी बहुत बेहतरीन, तो बहुत बेहतरीन। बाय बाय, चलो भाई 5 मिनट। ऐसे ही ना, बाद में से बात नहीं निकलती। अच्छा होता अब नहीं, कोई बात नहीं, फुल स्टॉप लग गया। चलो जी, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर मेरा तो और मन कर रहा था बात करने का, 2-4 बात और बता देती। नहीं, वो तो बात कर रहे थे हम। अच्छा, अब चल नमस्ते।
हो गया भाई चूड़ी मोल की कौन सी नहीं वो वैसे लगा। चलो अभी बंद ना करियो। हाँ जी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड प्लीज चेक आउट माई सेकेंड चैनल बी चार्मर। बस हो गया अब ठीक है भाई? तो अच्छे के बोलना जरूरी है ना? तो हो गया ना? हाँ हो गया। बाय।